हाँ जी, क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम लोग सीखेंगे आई मूवी सॉफ्टवेयर। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग हैं जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, और आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया है कि मैं आई मूवी पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाओ। तो ये पूरा सीरीज आपके लिए है, और इस सीरीज में हम लोग सीखेंगे आई मूवी के बारे में, उसमें आप कौन से इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक मूवी कैसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और आज इसका पहला वीडियो है, तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करना, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और घंटी दबा दो। स्वागत है आप सबका आई एम डिस्ली ऑज यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ डीडी, आपका यार, और ये है टेक मंगलवार। तो आई मूवी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मैक ऐप स्टोर से, और अगर आप अभी अभी वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो आई मूवी आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि आई मूवी कम्प्लीटली फ्री है और ये प्री इंस्टॉल्ड आता है हर नए मैक पे। आई मूवी को पहली बार ओपन करने पे आपको ऐसा वाला इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पे एक प्लस का बटन है और नीचे लिखा है क्रिएट न्यू। इसको प्रेस करने पे हमारे पास दो नए ऑप्शंस आते हैं, एक है मूवी और दूसरा है ट्रेलर। मूवीज़ के साथ साथ हम आई मूवी में अट्रैक्टिव ट्रेलर्स बना सकते हैं, ये मैं कवर करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। हम फिलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं मूवी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आई मूवी का इंटरफेस कैसे लगता है। इस वाले बटन को प्रेस करके आप अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो मैं कैंसिल प्रेस कर रहा हूँ। इस बटन को प्रेस करके हम अपने मीडिया लाइब्रेरी को हाइड या एक्टिवेट कर सकते हैं। इस बटन से हम इंपोर्ट कर सकते हैं वीडियोज़ और ऑडियो हमारे प्रोजेक्ट में। यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है माई मीडिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं वीडियो फाइल्स और ऑडियो फाइल्स जिसको हमने इंपोर्ट किया है हमारे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है ऑडियो, यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे ऑडियो फाइल्स हैं और ऑडियो इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है टाइटल्स, काफ़ी सारे टाइटल्स अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद है बैकग्राउंड्स, काफ़ी सारे स्टैटिक और एनिमेटेड बैकग्राउंड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और लास्ट है ट्रांजिशंस, ढेर सारे ट्रांजिशंस भी अवेलेबल हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में और अपने मूवी को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हम अपने मीडिया को इस बटन के थ्रू भी इंपोर्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे है टाइमलाइन और ये है प्रीव्यू विंडो जहाँ पे हम अपने एडिट का प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आइए इंपोर्ट करते हैं कुछ फाइल्स। मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे जितने भी मीडिया फाइल्स हैं, यानी कि वीडियो और ऑडियो फाइल्स, वो एक ही फोल्डर में रहें ताकि मैं उसको आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस फाइल को जिसका नाम है स्टार्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सेलेक्ट करना है इस फाइल को और इसे ड्रैग और ड्रॉप कर देना है टाइमलाइन पे। अगर आप जूम इन करना चाहते हैं अपने टाइमलाइन पे तो आप इस स्लाइडर की मदद से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है इस वीडियो को एडिट करना। अगर हम सिर्फ ट्रिम करना चाहते हैं तो हम कॉर्नर से वीडियो को इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कट, तो हम जाएंगे उस पॉइंट पे और उसके बाद प्रेस करेंगे राइट क्लिक और चूज़ करेंगे ऑप्शन स्प्लिट क्लिप। हम डालने वाले हैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक इस वीडियो में। इसके लिए हमें वीडियो में जितना भी ऑडियो है वो नहीं चाहिए। इसको डिलीट करने के लिए हम लोग प्रेस करेंगे राइट क्लिक और चूज़ करेंगे ऑप्शन डिटैच ऑडियो, और उसके बाद इस ऑडियो फाइल को हम डिलीट कर देंगे। अब ऐड करेंगे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक। इसके लिए हम प्रेस करेंगे इस बटन को और चूज़ करेंगे ये सॉन्ग जिसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सेलेक्ट करेंगे इस सॉन्ग को और उसके बाद ड्रैग कर देंगे नीचे टाइमलाइन पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो टॉप वाला लेयर है वो आपका वीडियो लेयर है और जो बॉटम लेयर है वो ऑडियो लेयर है। तो आइए एक बार प्ले करके देखते हैं। तो जो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो काफ़ी सिनेमैटिक है, और जो वीडियो है वो काफ़ी फास्ट प्ले हो रहा है। इसके लिए हमें वीडियो के स्पीड को कम करना पड़ेगा। हम सेलेक्ट करेंगे वीडियो को और उसके बाद जाएंगे ऊपर यहाँ पे इस ऑप्शन पे और सेलेक्ट करेंगे स्पीड, और यहाँ पे आके हम चूज़ करेंगे ऑप्शन स्लो का। यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं कि हम कितने परसेंटेज से इस वीडियो को स्लो करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से 50% सही रहेगा। अब इसको प्ले करके देखते हैं। मैंने इस वीडियो को कम्प्लीटली शूट किया था मेरे आईफोन 11 प्रो से, और मैंने ना ही कोई ट्राईपॉड या गिम्बल का इस्तेमाल किया था, तो थोड़े बहुत कैमरा शेक्स हैं। इसको भी हम ठीक कर सकते हैं आई मूवी में। सेलेक्ट करेंगे क्लिप को और उसके बाद जाएंगे इस ऑप्शन में जिसका नाम है स्टेबलाइजेशन। इसको क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। इस स्लाइडर की मदद से
हम स्टेबलाइजेशन के परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। वीडियोस को एडिट करने का सबसे पॉपुलर मेथड है म्यूजिक के बीट्स पे वीडियो को एडिट करना। तो मैं फटाफट मेरे दूसरे वीडियो फाइल्स को ऐड कर देता हूँ मेरे टाइमलाइन पे, अप्लाई करूँगा स्लो मोशन और स्टेबलाइजेशन वाला इफेक्ट और उनको म्यूजिक के बीट्स पे एडिट करूँगा। अब मैंने इन सारे क्लिप्स पे स्लो मोशन और स्टेबलाइजेशन का इफेक्ट लगा दिया है और उनको म्यूजिक के बीट पे एडिट भी कर दिया है। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑडियो फाइल मेरे वीडियो से लंबा है, तो इस पर भी हम सेम स्टेप करेंगे। हम सेलेक्ट करेंगे ऑडियो फाइल को और उसके बाद यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और चूज़ करेंगे ऑप्शन स्प्लिट क्लिप। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे इस हिस्से को और उसको डिलीट कर देंगे। अब ऐड करेंगे एक फेड आउट इफेक्ट इस ऑडियो क्लिप पे। सिर्फ सेलेक्ट करेंगे क्लिप को और उसके बाद इस पॉइंट को पकड़ के हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। अब हम ऐड करेंगे कुछ ट्रांजिशंस। सेलेक्ट करेंगे इस क्लिप को और उसके बाद जाएंगे ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में और इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं चूज़ करने वाला हूँ फेड टू ब्लैक। इसको मैं ड्रैग करके ले आऊँगा दो क्लिप्स के बीच में। इसी तरीके से मैं इस ट्रांजिशन को मेरे फर्स्ट क्लिप के पहले और सारे क्लिप्स के बीच में ऐड कर दूंगा। अब ऐड करेंगे एक टाइटल इस पर। हम जाएंगे यहाँ पर टाइटल्स के ऑप्शन में और चूज़ करेंगे ये वाला टाइटल। इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे इस क्लिप के ऊपर। इसको एडिट करना काफ़ी सिंपल है। जाएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिख देंगे। हम इस टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन हैं। ये वाला फॉन्ट अच्छा है, मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। इसके साथ साथ हम इसके साइज़ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर इंडिविजुअल वीडियोज़ बन सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कलर मैचिंग या कलर करेक्शन, तो आई मूवी में उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कलर मैचिंग का ऑप्शन और उसके साइड में है कलर करेक्शन का ऑप्शन। अब हमारा मूवी ऑलमोस्ट डन है। हमें सिर्फ ऐड करना है एक फिल्टर ताकि हम दे सकते हैं इसको एक अट्रैक्टिव लुक। जाएंगे ऊपर यहाँ पे और क्लिक करेंगे इन तीन डॉट्स पे और यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है क्लिप फिल्टर का। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ढेर सारे फिल्टर्स जिससे हम चुन सकते हैं एक स्पेसिफिक फिल्टर और दे सकते हैं अपने मूवी को एक स्पेसिफिक लुक। तो अब मैंने ऐड कर दिया है फिल्टर्स सारे क्लिप्स पे। अभी एक प्रीव्यू देखेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं अपने प्रीव्यू को फुल स्क्रीन मोड में, तो आपको प्रेस करना है ये वाला बटन। अब इस प्रोजेक्ट को हम सेव करेंगे। इसके लिए हम जाएंगे ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वाले बटन पे और इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को एक नाम देंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे ओके। अब ये प्रोजेक्ट सेव हो चुका है हमारे प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करके आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप अपने मूवी को एक्सपोर्ट करना है। इसके लिए हम क्लिक करेंगे इस बटन पे। आप अपने मूवी को भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक या विमियो, या आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको एज एन इमेज या एज अ मूवी फाइल। हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन फाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मूवी का टाइटल। आप चाहें तो एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं टैग्स अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको वीडियो और ऑडियो दोनों एक्सपोर्ट करना है या सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करना है। आप अपना रेजोल्यूशन, मूवी की क्वालिटी और कंप्रेशन फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद प्रेस करेंगे नेक्स्ट पे और सेव कर देंगे। यहाँ पे आप अपने मूवी के एक्सपोर्ट का प्रोग्रेस देख सकते हैं। अब ये मूवी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। हम प्रेस करेंगे शो पे और यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं हमारे मूवी को। तो यार, आई होप ये पहला वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम लोग सीखेंगे थीम्स के बारे में कि आप थीम्स की मदद से कैसे फटाफट वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करना और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।
मैं आपसे मिलने आऊँगा थर्सडे को 2 मिनट थर्सडे के नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, लेकिन अपने अपने घरों में।